और प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार गवाही देने के लिए। दास जी ने मुझे अनुमति दिया है, प्रभु ने भी मुझे अनुमति दिया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आज के मिसा बलिदान में आकर प्रभु ने मुझे बहुत ही आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे एक वचन के द्वारा मैं बताकर मैं बैठना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:16-17 के अनुसार, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और तुझे किसी वस्तु की घटी न होगी, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यानि पवित्र आत्मा पाने के बाद ये वचन के द्वारा मैं महसूस किया है कि मैं धनी बन गई हूँ प्रभु के सम्मुख में। मैं कमज़ोर नहीं, मुझे कमज़ोर महसूस नहीं होता था, पहले कमज़ोर महसूस करती थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मिलने के बाद मैं धनी बन गई हूँ करके ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है। और इब्रानियों 10:23 के अनुसार, दास जी इब्रानियों 10:23 अनुसार, और प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखा त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। ये वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है। परमेश्वर के नाम को बहुत ऐसे धन्यवाद कर दी।